तो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि श्रीलंका जो है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इन्होंने बेसिकली एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो कंप्राइज किया हुआ है, बनाया हुआ है, एक फोरम बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने इस दफा जो है वो मॉरिशियस को भी इंक्लूड किया है एज चौथा मेंबर के तौर पे, जबकि बांग्लादेश और सीशेल्स जो है, सीशेल एक ईस्ट अफ्रीकन मुल्क है, उसको भी उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर ग्रुप इंक्लूड किया। अब ये जो पांचवा बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल का एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन्होंने एस्टेब्लिश किया है, जिसमें जाहिर बात है कि ये वो कह रहे हैं कि जी, जितने भी मैरी टाइम नेशंस हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, और सिक्योरिटी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो कोऑपरेशन है वो सारा इधर होगा। अच्छा, यहाँ पे चीजें हैं कि सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वो भारत जो कह रहा है कि वो मैरी टाइम नेशन जो हैं, वो एक मैरी टाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरी टाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया, और वही सार के जो ममालिक हैं, देखें अभी फॉर एग्जाम्पल इस दफा बांग्लादेश को उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर डाल लिया, मॉरिशियस ठीक है वो एक अफ्रीका, वो इंडियन ओशन का एक कंट्री है, सेशेल्स चले ठीक है वो एक छोटा मुल्क है, लेकिन उसकी उन्होंने रेलिवेंस को बरकरार रखा हुआ है। सो इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया से, यानी कि साउथ एशिया से निकल के उसने अपने आप को प्योरली इंडो पैसिफिक में ले गया है, और पाकिस्तान की खूबसूरती यह है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं उधर रोक क्या रहा है। अगर आप पाकिस्तान को, हम लड़ रहे हैं एट होम, हमारा सदर साहब बलूचिस्तान में जाते हैं, वहां दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं, एक हफ्ते में दूसरा दहशतगर्दी का हमला हो रहा है, हम दोबारा उस एक नई वेव ऑफ टेररिज्म या सेकेंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कही जा रही है पाकिस्तान के अंदर, क्यों कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी वो थी जो पाकिस्तान ने दुनिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान में, और उस वक्त अलकायदा, दाइश और ये सारा कुछ था। अभी जो सेकेंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, ये तो बेसिकली पाकिस्तान एट होम लड़ रहा है, इंटरनली हम लड़ रहे हैं। अब इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल साहब, उन्होंने बेसिकली ये जारी बात है, ही इज एन आर्किटेक्ट बिहाइंड ऑल दिस, कि किस तरह जो है वो रिलेशनशिप को, मैरीटाइम नेबर्स को किस तरह इकट्ठा करना है और चैलेंजेस को किस तरह करना है, और वो कह रहे हैं कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। और ये इस दफा की ये बात हो रही है कि इंडिया ने ये प्रपोज किया है कि जो जो कोस्ट गार्ड्स के जो हेड्स हैं उनका भी इस दफा इंटरेक्शन होना चाहिए, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे नहीं होना चाहिए, और नारकोटिक्स के हवाले से कोऑपरेशन, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग इंडिया कहता है उनका बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, नारकोटिक्स सबके मसला है, पाकिस्तान का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में ड्यूरिंग आपको पता है कोल्ड वॉर, जब पाकिस्तान उस वक्त अफगानिस्तान के हम बने हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ड्रग कल्चर और क्लैशनकोफ कल्चर तो हमारे यहाँ सरेआम हो गया। अभी रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो इंडिया की एक पोर्ट ने ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शिप्स थी उनको मेरा ख्याल है बैन कर दिए, पाबंदी लगा दी कि वो नहीं आ सकते, एंड द रीजन बिहाइंड वाज कि गुजरात में कोई आई थिंक $2 बिलियन के अराउंड या $1 बिलियन के अराउंड जो है वो कोई ड्रग्स जो थी वो आई थिंक ईरान से एक जहाज चला था जो उसने वहां पे लैंड किया, थ्रू जो है वो पोर्ट वहां पहुंचा था। अब ये वो कह रहे हैं कि ये सारा ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, इन सब को ठीक करना पड़े को डील करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें यह है कि ये पांचवा बेसिकली जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव था, इससे पहले इसका नाम था ट्राइलैटरल ट्राइलेटरल फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन, ये पहले ये कहलाता था, अब इन्होंने इसको नाम बदल के, जारी बात है, उसको इसमें ले गए हैं, और ये बेसिकली इंडिया, श्रीलंका, जिस तरह मैंने मालदीव आपको बताया, ये इस चीज को देख रहे थे, लेकिन अभी इसकी मेंबरशिप एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ इंडिया जो है बड़ा खूबसूरती से क्वाड के अंदर अपनी एक ग्रेट पार्ट्स के साथ अपने आप को सिंक कर रहा है, वहां से इंडिया जो है अपनी एक रीजनल जो अप्रोच है उसको भी ले रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो चाइना है वो अपनी एक रीजनल सिग्निफिकेंस, जो इंडिया का बैकयार्ड है उस पे वो सारे के सारा
फोकस कर रहा है। तो अभी रिसेंटली जैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी जो है वो भी श्रीलंका का विजिट करके गए हैं, और अभी तक अमेरिकन ने और इंडियंस ने एक बड़ा चाइना का नेगेटिव इमेज डेवलप करने में काफी रोल अदा किया है, और वो बिकॉज ऑफ द लोन्स जो के देने जो के वो देते हैं, फिर वो जो डेवलपमेंट करते हैं उसको फिर वापस पैसा करना पड़ता है, और फिर वो पोर्ट पे जैसे उन्होंने जो राइट्स ले लिए हैं, तो इस तरह की चीजें जो है वो काफी ज्यादा चाइनीज को नेगेटिव इमेज जो है वो जहां जहां पे, लेकिन हुकूमतें खामोश रहती हैं, हुकूमतें कुछ नहीं बोलती, लेकिन पब्लिक लेवल पे चाइना का नेगेटिव इमेज क्रिएट करने में इंडिया एंड अमेरिका एंड वेस्ट बड़ा काफी हद तक कामयाब हुआ है। और इसमें पाकिस्तान के अंदर भी ये मामलात हैं कि यहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो खामोश रहती हैं, लेकिन जो नीचे लेवल पे मीडिया वो हल्का फुल्का बोलता रहता है। अब जो मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिस तरह के दोस्तों मैंने इसको रेज किया है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है कि ये कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग क्या है, ना हमारी सरकार को पता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तो जलसा जलसा जुलूस जुलूस गली गली खेल रहे हैं इस वक्त, वो तो सिंध से लेके वो एक जो है वो अपर सिंध से लेके जो है वो लोअर सिंध तक वो पहुंच रहे थे, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो है वो इस्लामाबाद मार्च कर रही है, इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, और एक इस वक्त इमरान खान साहब के कहा जा रहा है कि शायद ये इमरान खान साहब का आखिरी महीना है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो ये हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन उधर देखें कि आपने इंडिया ने किस तरह अपने आप को विद स्टेबल पॉलिटिकल पावर, देखें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं अभी जिस तरह ये बातें चल रही हैं कि यूपी में और इलाकों में भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और पर्टिकुलरली अगर वो यूपी को समझा जाता है कि जी वहां से अगर आप इलेक्शन जीते हैं तो दैट इज नोन एज अ सेमीफाइनल, बिकॉज जो लोकसभा की सीट्स हैं उसमें से 80 तो यूपी की सीट्स हैं लोकसभा में, तो दैट गिव्स बेसिकली सिग्नलिंग कि 2023 में जो है वो या 24 में नरेंद्र मोदी साहब वापस पावर में आएंगे। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये दैट गिव्स इंडिया अ स्टेबल फॉरेन पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड इन पाकिस्तान एन इनस्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वीक एंड थिन पॉलिटिकल मेजोरिटी अगर आपके पास होती है नेशनल असेंबली में तो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो वीक है। आपके चैलेंजेस ये हैं कि हमारे यहाँ पे लीडरान का मसला ये है कि उनके पास जब 2/3 मेजोरिटी नहीं होती या सिंपल मेजोरिटी भी नहीं होती तो वो सारा टाइम जिसे कहते हैं तलवार उनके ऊपर लटक रही देती है। नरेंद्र मोदी को इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड्स वो अच्छे से खेल रहे हैं। ये हमें ये चैलेंज जरूर मौजूद है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड अच्छे से नहीं खेल सकते। हम उधर यूक्रेन से भी डरे हुए हैं, हम रशिया से डरे हुए हैं, हम अमेरिका से डरे हुए हैं। हमें पता है कि भाई एक तरफ इमरान खान साहब को पता है कि मैं इलेक्शन जो अगर हार जाता हूँ या मैं इलेक्शन मैंने परफॉर्म नहीं किया डोमेस्टिकली तो मैं क्या करूँ, मैं एंटी वेस्ट स्टेटमेंट देनी शुरू कर दूँ। इमरान खान साहब के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे भाई साहब आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स पब्लिक में नहीं दिया करते, आप क्या कर रहे हैं, क्यों हमारी जो 7-8 बिलियन डॉलर की यूरो की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो भी बंद करवानी है, जीएसटी प्लस स्टेटस को वो विदड्रॉ करने के लिए तैयार बैठे हैं, यूरोपियन यूनियन के लेजिस्लेटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान को सिग्नल दे चुके हैं कि पॉइंट से तैयार हो जाओ, एफएटीएफ एचएससी आगे फंसे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस, ये हमारे लिए और मसाइल पैदा कर देते हैं जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर नहीं होती, वीक मेजोरिटी होती है, थिन मेजोरिटी होती है, डोमेस्टिकली परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर आके आप जो है वो एक्सेसिव बहुत ज्यादा बोलते हैं। और उधर आप देखें क्योंकि इमरान खान साहब जब आज से साल दो साल पहले जब गए थे श्रीलंका गए थे तो मैंने इसमें बड़ी सख्त तनकीद की थी, मुख्तलिफ थिंक टैंक से भी बात मैंने की थी और मैंने तनकीद की थी कि इमरान खान साहब श्रीलंका में बैठ के उन्होंने इंडियन ओशन की कोई बात नहीं की, उन्होंने इंडो पैसिफिक की कोई बात नहीं की, उन्होंने क्वाड की कोई बात नहीं की, उन्होंने ये देखे ना अब ये जो फ्रेमवर्क है इसके अलावा आप छोड़ें इंडिया जो है वो एक और ओशनोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर काम कर रहा है। बेसिकली ये जो जो ओशनो ग्राफर्स कॉन्फ्रेंस है ये मजीद इंडिया को कहता है कि वो अपने आप की जो एज ए मैरिटाइम पावर एस्टैब्लिश कर रहा है, तो पाकिस्तान भी तो मैरिटाइम पावर है लेकिन हमें हम माइनस हैं क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है, हम ऐसा इंडिया ना वक्री रिडी है जो कि ठीक है हमारा एक वो प्रॉब्लम माजी क्या वो आज का तो नहीं है
और हम उसको मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता कोई बंदा उसको मानने को तैयार नहीं है वे फॉरवर्ड के लिए। रिसेंटली पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने कहा था कि जी इंडिया के साथ मामला ठीक करने चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अगर मामला ठीक हो तो अगले महीने नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान भी आ सकते हैं। लेकिन उनको फिर वो जो गालियां पड़ी, उन्होंने कहा जनाब तू पैसे की खातर की करन लग पाएगा, तू पैसे की खातर गिर जाओगे, तुम कश्मीर पे सौदा कर लोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, वो सारी बातें चलती हैं। सो ये हमारे लिए दोस्तों एक जिसे आप कह लें कि ना फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं बहुत ज्यादा, और इंडिया ने किस खूबसूरती से पहले सार को डिसफंक्शनल किया, सार की अब कोई वैल्यू नहीं है। रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी कि पायन जड़ा सार कहना, अगर इंडिया ने नहीं आना तो बाकियों को आने दे, वर्चुअली इंडिया आ जाए। मतलब इतनी थकी स्टेटमेंट थी फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मैं समझता हूँ कि ना तो दुनिया में वेल रिसीव किया गया, दैट वॉज अ वीक फॉरन पॉलिसी स्टेटमेंट। और इंडिया ने इसका मजीद फायदा उठाया कि पायन ऐ जो मुल्क देना इन्होंने जरा खिंचो, इनको और खेचो। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट दुनिया क्रिएट करनी शुरू कर दी, जिसमें मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत हद तक कामयाब है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह कोलंबो के या मालदीव के जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, इंडिया एज ए बिगर कंट्री जो है वो इन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी आए हुए थे फाइनेंस इंडिया श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर, बट वी कांट गिव देम व्हाट दे नीड बिकॉज उन तो हमारे तो अपने ही तरह एक एक अरब डॉलर के मसाइल बढ़े रहते हैं। हम तो कुछ मिलियन डॉलर्स की बात कर सकते हैं जिससे उनको कोई थोड़ा फायदा हो, लेकिन फिर भी श्रीलंका को हमारे वो जो हमारा फॉरन पॉलिसी इन्फ्लुएंस है वो तो वहाँ काम नहीं करेगा। या तो वहाँ चाइनीज इन्फ्लुएंस काम करता है या इंडियन इन्फ्लुएंस काम करता है। और यही बात आपको पता है दोस्तों कि इंडिया का और चाइना का इस वक्त कंपटीशन तो अफ्रीका में चला गया। सो इंडिया जो है वो जो क्वाड से पावर ड्रॉ करता है, जो क्वाड से पावर ड्रॉ करता है उसके जरिए वो अपनी सारी की सारी पावर जो है वो वहां पे भी लेके जाएगा। सो ये जो चार बेसिक पिलर्स हैं जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूसली काम करना है, वो है मैरिटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। और ये जारी बात है, ये चारों के चारे पिलर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए भी कंसर्न्ड हैं। सार्क से चीजें निकाल लो, सार्क वाले ममालिक कुछ निकाल लो, कुछ अफ्रीका के जैसे सी शेल्स, जैसे मैंने बताया आपको एक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में उसको डाल लो, जो है वो एक आधा और मुल्क जो है वो वहां पे मॉरिशियस को डालो, इंडिया के वहां पे अच्छे हैं। पहले मॉरिशियस में इंडिया एक मिलिट्री बेस भी जो है वो चुपके चुपके से बना रहा है, किसी को पता ही नहीं चलने दे रहा। उधर सेंट्रल एशिया में मिलिट्री बेस है, उधर अफ्रीका में मिलिट्री बेस जो है इंडियन ओशन में मिलिट्री बेस बन गई है, तो शोर चाइना के मच रहे हैं कि चाइना जो है वो मिलिट्री बेसिस बना रहा है, जिस जिबूती में बना दी, कल को ग्वादर में बना सकता है, ये कर सकता है वो कर सकता है। लेकिन अंदर खाते इंडिया जो अपना वो असर सुख स्टैब्लिश कर रहा है उसको रीड करने की काफी हद तक जरूरत है, क्योंकि इंडिया सार्क ममालिक को निकाल के तो वहां पे करेगा। और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान जो है उसको एज ए जिसे कहते हैं ना मैरिटाइम नेशन होने के नाते, मैंने बाय द वे एक रिसेंटली एक रिसर्च पेपर भी लिखा है इसी के हवाले से, जिस पर मैंने फ्रेंच इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है उसका मैंने एक तनकीदी जायजा लिया कि जो फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैंने पाकिस्तान का डाला कि हम फ्रांस के साथ किस तरह कर सकते हैं। ये एक पाकिस्तान नेवी का एक जर्नल है द बेकन, उसमें ये रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ है रिसर्च आर्टिकल मेरा, और इसको मैंने अपने ट्विटर पे भी डाला था, और अगर आप गूगल करेंगे तो शायद आपको ये आर्टिकल मिल भी जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो टेररिज्म हो, मैरिटाइम रूट्स हो, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, डिजास्टर रिस्पॉन्स है, बेसिकली इनको कैसे डील करना है, और ये जो और साइबर सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो इनको ये किस तरह डील करना, और इसमें ये जो चार छह ममालिक हैं ये किस तरह अब आइंदा देखिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव तो वही सार के ममालिक है ना, एक नेपाल भूटान ही है ना पीछे रह गया, सो व्हाट, अफगानिस्तान का वैसे ही कोई हाल नहीं। सो इंडिया ने अपने आप को नए फ्रेमवर्क्स में उसने डाल लिया, उन्होंने कहा यार छोड़ो पाकिस्तान हो, ये सार्क कला तो खाते ही मुक गया। सो दिस इज हाउ द डिसफंक्शनल सार्क एंड दे आर क्रिएटिंग न्यू रीजनल ब्लॉक्स, दे आर क्रिएटिंग न्यू इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स। और दूसरा जारी बात है कि यह कि जो इंडियन ओशन है उसमें चाइना एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर तो है ही है,
और एक डिक्लेर्ड कंपटीशन भी है चाइना का और इंडिया का वहां पे। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्हें ज्यादा ध्यान ही रशिया नो सलाम करने के चक्कर च है, हमारा कोई ध्यान नहीं है बाकी ममालिक में, हमें श्रीलंका में क्या करना था या बाकी। लेकिन वो जारी बात है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता है कि जो कंट्रीज मैटर करते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया है और यह अफगानिस्तान है इस खत्ते में। अब वो कोलंबो के साथ क्या नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग करेंगे, वो समझते हैं कि रशिया जो है वो मेन पावर है। लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह यह है कि कई दफा हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। मिसाल के तौर पे हम नेवी को वो वैल्यू नहीं देते, हम समझते हैं कि जो नेवी है वो काम नहीं कर सकती, हालांकि नेवी जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजिशन में है और नेवी हमें दुनिया में बड़ी ओपनिंग दे सकती है अगर हम प्रॉपर ध्यान दें, हम प्रॉपर सोचें, हम प्रॉपर देखें कि पाए ना नेवी की कर सकती है। ये जो सार का डिसफंक्शनल होना, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का ऑपरेशनल होना, फिर उसके बाद नए ममालिक को बीच में डालना, इंडिया का साउथ एशियन प्लस अफ्रीकन ममालिक को या इंडियन ओशन ममालिक को इसका हिस्सा बनाना, और एक प्रॉपर एक सिक्योरिटी का एक्टिवेट सिक्योरिटी एक्टिविज्म जो है वो लेके आना, और जिस तरह राजनाथ सिंह साहब जो है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अपने बाकी खित्ते के ममालिक के साथ भी काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव हो रहे हैं, और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब भी बड़े एक्टिव हैं इंडिया के। और हमारी जो अप्रोच है वो डोमेस्टिक है, अफगानिस्तान के ऊपर है, कश्मीर के ऊपर है, अमेरिका हमारे लिफ्ट नहीं करा रहा, हमें अमेरिका ने लिफ्ट नहीं कराया तो चीन और रशिया के पास चले जाएं, असी उत्थे फंसे हैं। और लुक एट वेयर इंडिया इज फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, चार्टिंग न्यू कोर्स ऑफ एक्शन, मेकिंग न्यू सिक्योरिटी अलायंसेस एंड रबिशिंग एंड पुटिंग असाइड द ओल्ड थिंग्स, और हम वो OIC का इजलास बुला लेंगे। सो आप देख लें कि पिछले अगर 20 साल में या 10 साल में आप देखें कि कितने मल्टीलेटरल फोरम्स में पाकिस्तान गया है और कितने जो है वो बायलैटरल फोरम्स में हमारी जो है वो सुनी गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम मल्टीलेटरल फोरम्स में कहीं नहीं है, हम मल्टीलैटरलिज्म से जो है वो बायलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो शिफ्ट है इसको गेज करने की जरूरत है, क्योंकि हम वो हम उसको रीड नहीं कर पा रहे कि ये किस तरह चीज़, हम वो बायलैटरलिज्म पे फोकस कर रहे हैं, जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं और सानू एडा मुंह नहीं लाते हुए। सो लेट्स सी कि क्या होता है। और लेकिन फॉर अ मोमेंट आई थॉट दिस आई शुड शेयर विद यू पीपल कि ये कितना इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जिसमें पाकिस्तान बाहर है, इंडिया जो है वो नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, और जो मैंने आपको बताया रिसेंटली के ये क्वाड के रेफरेंस से हो इंडिया को वो जो कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको शायद समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो क्वाड का जो कॉन्फिडेंस है, और इंडिया जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में ट्रेडिशनल सिक्योरिटी तो है ही है लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को भी साथ लेके चल रहा है। और ये जो ममालिक हैं जिनके साथ ये नए जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज की बात हो रही है, और आपको पता है कि जब आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज की बात करते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिस्पॉन्स की आप बात कर रहे होते हैं, तो दिस इज समथिंग मेरा ख्याल है इसको अटेंशन पे करने की जरूरत है। हमें वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म से निकल लेके आगे की तरफ जाने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें एट होम मामला ठीक करने पड़ेंगे, हमें TTP को मारना पड़ेगा, हमें अफगान तालिबान को टफ टाइम देना पड़ेगा, दाइश अलकायदा इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है वो सर उठा रही है उसको दबाना पड़ेगा, बलोच मिलिटेंट्स जो सर उठा रहे हैं उनको दोबारा दबाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो करनी पड़ेगी इंटरनली वहां पे आप वो हो, और एक्सटर्नली आप नेवी को अगर मैरिटाइम पार के तौर पे हमें अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, नेवी को नई स्पेस देनी पड़ेगी इफ वी रियली वांट के हमारे लिए चीजें जो हैं वो बेहतर हों। और मैंने जो बड़ा एनालिसिस किया है उसमें आप मुझे जो तकलीफ है वो यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका ध्यान कहीं और है, हमारी नीड्स कोई और हैं, और इंडिया आप देखें किस तरह पाकिस्तान को बाईपास करके नए इंस्टीट्यूशनल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है, तो साढ़े कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सॉए कोई OIC परत परत OIC वो जी मुँह नहीं लाती, जिन्हें कश्मीर के उत्ते कोई सेशन नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं किया। अभी ये इसी मार्च में वो जो है वो अभी फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, वो जारी बात है एक वो रखा हुआ था हमने, वो हमने 23 मार्च की परेड में भी वो बैठ जाएंगे हमारे साथ,
लेकिन एनी हाउ लेट्स सी, मैं चाहता था कि डाइवर्सिफिकेशन हो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी स्टेट की वो कैपेसिटी अभी नहीं है, शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बट वन शुड बी होपफुल. थैंक यू वेरी मच.